636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9-17-25 के कितने पद लेने होंगे? आपको योग दिया गया है एक AP के अंदर, SN की वैल्यू आपको दी गई है 636, एक आपको AP गिवन है जिसके अंदर A मेरे पास है 9, D की वैल्यू मेरे पास है A2 - A1, 17 - 9 8, और कितने पद लेने चाहिए यानी कि आपको पद के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पद मेरे पास n का मान आपको निकाल के बताना है कि कितना n का मान आएगा। SN दिया हुआ तो SN से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला लगेगा n/2 2a + n-1 d। SN दे रखा है 636, n की वैल्यू हमें निकालनी है 2 × a 9 है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू आई है 8। सोल्व कर रहे थे, 636 बराबर है मेरे पास, मेरे पास दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 2n तो मैं ले लेता हूँ बाहर, 2/2 मेरे पास ये वाला यहाँ पर आ गया, अंदर बच जाएगा मेरे पास 9 प्लस n माइनस का यहाँ पर बच जाएगा 4, 2 से 2 मेरे पास कट जाएगा, 636 बराबर मेरे पास रहेगा n, ये 9 प्लस का जाएगा, ये मेरे पास रहेगा 4n - 4। 636 n 9 में से 4 जाएंगे, मेरे पास बचेगा 5 + 4 n दोनों से गुणा होगा, 636 बराबर मेरे पास जाएगा 5n जमा में आ जाएगा 4n का स्क्वायर। 636 यहाँ प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, इधर बच जाएगा 0, 5n = 4n² - 636। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, 4n² + 5n - 636 बराबर मेरे पास होगा 0। अब मुझे इस वैल्यू को तोड़ के n की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है n = b + √b² - 4ac / 2a। इस वैल्यू को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू x² का गुणांक होती है, यानी कि जो हमारे a की वैल्यू वो हमारे पास है 4, b की वैल्यू हमारे पास है x का गुणांक, तो ये हमारे पास हो जाएगी 5, c हमारे पास अचर पद होता है, तो ये मेरे पास है -636। तो n की वैल्यू के लिए सभी वैल्यू को मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, -b यानी कि हो जाएगा 5 + -b² यानी कि 5 का स्क्वायर -4 × a × c 636, और बटे में मेरे पास है 2a 2 × a। अब हमें इस वैल्यू को सोल्व करके दिखाना है, n बराबर है -5 + -5² तो मेरे पास 25 हो जाएगा, यहाँ से माइनस दोनों गुना होंगे तो मेरे पास प्लस का जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, गुना में मेरे पास आ जाएगा 636 है, 636 को 16 से गुना करना है, करते ही गुना 6 × 36 = 3, 6 × 3 = 18, 19 + 20 = 21, 2, 6 × 36 = 37, और ये मेरे पास आ जाएगा 38, 6 × 3 = 6 आ जाएगा, 6 × 7 = 11, और इसके अंदर हमें 2500 जोड़ना है, हम यहाँ 2500 जोड़ देते हैं, तो मेरे पास है 11 8 9 10 0 2 0 1, और बटे में हमारे पास आ रहा है 8, तो एक बार हम वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी बाद में सोल्व करते हैं, तो ये मेरे पास है -5 + - हो जाएगा 10201 भाग में मेरे पास है 8, ये स्क्वायर रूट है, आपको इस वैल्यू को सोल्व करना है, तो मैं इस्तेमाल करूँगा लॉन्ग डिवीजन मेथड को, 10201 पीछे से मैं जोड़े बनाऊंगा, सबसे पहले जाएगा 1 × 1 पे, तो 0 हो जाएगा, अब जोड़ा उतरेगा मेरे पास 02 उतरेगा, 1 का डबल मेरे पास हो जाएगा 2, अगर मैं 1 से भी करता हूँ
तो फिर भी नहीं जा रहा है, तो मैं जीरो यहाँ पर भी लगी, जीरो यहाँ पर भी लगी, ये एक जोड़ा और मेरे पास उतर जाएगा, अब मेरे पास चला जाएगा एक पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 201, तो ये मेरे पास पूरा कट गया। तो मेरे पास जो आंसर आएगा n बराबर हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 101, भाग में मेरे पास आ जाएगा 8। अब मेरे पास n की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो n मेरे पास है माइनस का 5 प्लस का, माइनस का 5 प्लस का 101 बटे में 8, माइनस का 5 माइनस का 101 बटे में 8, तो इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जो n की वैल्यू निकल के आई है 101 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे मेरे पास 96 बटे में 8, काट देते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, जो n की वैल्यू आई है मेरे पास वो आई है मेरे पास 12। यहाँ पर देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, ये मेरा माइनस का 106 बटे में 8 हो जाएगा, वैल्यू को काटते हैं दो पे काटते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4, फिर 5 और 3 53 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे माइनस का 53 बटे में 4। तो n की वैल्यू आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ नॉट पॉसिबल, लेकिन जो आपका आंसर है n बराबर 12 है। दोस्तों यही है आपका उत्तर।